बातें करते हो यार, पावर है मेरे को दिखने में प्रॉब्लम होती है यार, तो मतलब ये सब भी कर सकते हो ना। ये कलर नहीं है इसमें आया था यार, ठीक है नहीं तो तो आप लोगों को मैं बाहर का नजारा दिखाता हूँ भाई लोग। यहाँ पे थोड़ा सा वो है और इधर को ये कोई मत देखना इधर से। यहाँ पे हम रुके हैं इंडिया कुछ तो है। तो मेरा ये पहली बार इंडिया है, ठीक है, पहली बार मैं आया हूँ इंडिया और हम लोग लखनऊ पे रुके हैं। लखनऊ पे इसीलिए क्योंकि लखनऊ पे जो है हमारे आयुष भाई ने एक रेस्टोरेंट ओपनिंग किया है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन टू हिम। वो रेस्टोरेंट भी दिखाएंगे और 29 तारीख को रेस्टोरेंट का ओपनिंग है जहां हम मीट एंड ग्रेट कर रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं। और अभी के लिए हम लोग जा रहे हैं लखनऊ घूमने के लिए, तो आप लोगों को भी घुमाएंगे उधर कैसा है वो बताएंगे। बट इधर यार आयुष भाई उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, सो रहे हैं। और इधर जो है हमारे शूज हैं जो गंदे हो रखे हैं, कपड़े हैं गंदे हो रखे हैं, इसको ड्राई क्लीन करना है। यहाँ पे मैं बाहर बैठा हूँ, सनम भाई ठंडा करा रहे हैं गाड़ी को। फिर हम लोग इधर से निकल रहे हैं एशिया का बिगेस्ट मॉल पे, लुलु मॉल नाम भी लुलु मॉल, उधर जा रहे हैं। बिगेस्ट है कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट जा रहे हैं। थोड़ा आप ठंडा होने देते हैं गाड़ी को। ये देखो भाई लोग लखनऊ की रोड, इधर बहुत ज़्यादा बाइक खड़ी हुई है क्योंकि इधर पीछे शायद वो क्या बोलते हैं कोचिंग सेंटर बोल रहे थे, कोचिंग सेंटर। हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुँच चुके हैं भाई लोग, उतरते हैं। अभी बोल भाई ये दरवाज़ा खुल गया था, वो स्कूटर वाला गया ना उड़ गया था। ये देखो यहाँ पे ड्राई क्लीन में पहुँच चुके हैं। कच्चे में क्यों रहते हो यार सनम भाई यार? अभी सारे कपड़े, चलो इधर बहुत सारे कपड़े हैं, सारे कपड़े धुलवा के फिर आराम से नहा धा के जाएंगे बाल कटवाने। सनम भाई आप भी बाल कटवाओगे क्या? मेरे बाल कटे हुए हैं तो इधर ये काम वगैरह कर लेते हैं। क्या बोले थे? इतना सोते हो यार? ये भी लेट की है, सुनीता और मेकअप करने में बहुत लेट, बहुत टाइम लगाती है। हैं? कैसे 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 लेट हो गया बताओ? हमसे कॉल कर आधे घंटे हो गए हम, सुनीता लेट कर रही है ना? आप लोग जैसा तो रही हो ना, नहाना पड़ता है और फिर नहाने के बाद कपड़े में धोती हूँ। हर दिन नहाना पड़ता है? आप लोग हर दिन नहाए मत करो यार, मेरे ये वाले कपड़े पानी बचाओ यार। अरे बताते हैं बातें करते हो, हम लोग सारे कपड़े सारे जूते सब ड्राई, जो मेकअप नहीं करता उसको मेकअप करते बोलते हो, एवरीडे नहाते हो सुनीता? हाँ। अरे पानी का तो खत्म हो जाएगा यार, ऐसे मत किया करो यार, लखनऊ में बहुत पानी है, ठंडा जो भी हो पानी बचाया करो, एवरीडे नहाया मत करो यार। अरे मैं बहुत समाज सेवा करता हूँ यार, पानी का सोचता हूँ। वो आपको तो लिया कि नहीं, वो तो इधर ही दिख जाएगा, वो तो दिख जाएगा। सुनीता को उठाया नहीं हमने, सुनीता को उठाया था, सुनीता भी नहीं उठी। सनम भाई आप तो सबसे क्या सो रहे थे आप बताओ? मैं तो सो रहा था, सुनीता रो रही थी। गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, गुड नाइट बोल के चले गए, अब बताओ। सुनीता रो रही। सनम भाई कहाँ जा रहे हैं? अपन हम जा रहे हैं अब बाकी यशवंत प्रधान के पास। अरे नहीं रे यार आप भूल जाते हो, एशिया के सबसे बड़े मॉल पे जा रहे हैं ये बोले, ठीक है मेरे को पता नहीं। फिर भाई लोग आप मेरे को गाली मत देना कमेंट सेक्शन में। कौन सा है? चलो गाइस तो आज हम जा रहे हैं लुलु मॉल, तोंडे दाई की कटिंग करानी है और मेरी भी देखो ये देख रहे हैं घोड़े वाले बाल ये कटाने हैं और साथ में सुनीता को भी टकला कराना है अपना, ठीक है? मेकअप वहाँ पे मेकअप लगता है इतना मेकअप खत्म नहीं करना ना। चलो गाइस तो चलते हैं लुलू मॉल और साथ में क्या करते हैं तोड़ने दाई बताएंगे और लखनऊ घूमेंगे, इंडिया घूमेंगे। दोस्तों ज्यादा मैं घुमा नहीं हूँ ना, इंडिया घूमेंगे उसके बाद में कहाँ घूमेंगे? इसमें अयोध्या बाद में। अरे इंडिया के बाद में कौन सा देश बोल रहा हूँ? उसके बाद घूमेंगे थाईलैंड। अरे कैसी बातें करते हो यार। सनम भाई ओनली घूमेंगे थाईलैंड, तो थाईलैंड चश्मा भी वैसा है ना, ड्रेस भी है देखो। अरे हो गया टाइम यार, चलो ऐसे फिर पीछे से गाली देंगे यार, चले जाना पड़ता है। ये देखो बाइक वाला कैसे देख रहा है, चलाना आता नहीं करके देख रहा है। अरे आता है भाई हमारे सनम भाई को, क्या बात कर रहे हो? मोबाइल भी चलाते हैं ना, जब पेट में थे तब से गाड़ी चलाते आए हैं, है कि नहीं? बताओ यार ड्राइविंग की बातें सिखा दो यार उनको यार। भाई लोग बताओ मेरे को ड्राइविंग करना चाहिए कि नहीं? नेक्स्ट बार सनम भाई को इधर बिठा देंगे और हम ड्राइविंग करेंगे। हम फिर ड्राइविंग करने लग जाएंगे तो फिर हम ज्यादा बोल नहीं पाएंगे ना, हम ज्यादा बोलते हैं तो मैं ये कि नहीं? ये लोग मैं जब भी ड्राइविंग करता हूँ सुनीता डर जाती है, इसीलिए भाई तोड़ना भाई। हाँ आपने सुनीता को बर्थडे पर बुला दिया,
अरे यार क्या करे यार ऐसे मेरे रूम में आके बोल रही थी तोड़ने दाई का है चले गए हां पूछो। अरे सुनीता सॉरी यार बुरा मत मानो यार ऐसा होता है यार। चलो कोई बात नहीं अज्जू भाई को बुला लेंगे तुम्हारी शादी में। अज्जू भाई इनविटेशन है ठीक है सुनीता की शादी में आ जाना आप। मैंने ये कमेंट किया ठीक है भाई लोग एक पोस्ट किया था कब शादी करोगे बोला कल बोली सुनीता ने। फिर मैंने पूछा कि किससे कर रहे हो है नहीं नहीं ये नहीं पूछा मैंने बोला अज्जू भाई को भी बुला लेना। फिर सुनीता ने एक सेवेज रिप्लाई दिया अज्जू भाई के बिना तो शादी नहीं होगी इसका मतलब समझे अज्जू भाई दूल्हे के बिना दुल्हन कैसे शादी कर रही। अरे वाह सुनीता आयुष भाई कोने में रो रहे आयुष भाई भाई आप लोगों को लगता कि नहीं भाई अज्जू भाई रहेगा अज्जू जानू जब होंगे डिसाइड किया जाएगा जब शक्ल दिखाएंगे जानू है या भाई है ठीक है चलो। नहीं तो आपने तो बोला था अज्जू भाई का फेस देखा है देखा है ना वीडियो कॉल। चलो कैसे अज्जू भाई दिखते हैं वो सुनीता को पूछना कैसे दिखते हैं बताओ थोड़ा फेस रिबन नहीं हुआ ना मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दो चलो जैसे कि आप लोग फर्स्ट टाइम लाइक लोग मोनालिसा के फोटो चलो इतना बता दो नहीं चलो इतना बता दो हैंडसम है कि नहीं इतना बता दो चलो बहुत हैंडसम है बहुत हैंडसम। अरे यार शादी कैंसिल क्या करे यार बताओ कितने लुक्स में कितना लुक्स में 10 out of 10 10 out of 10 और आयुष भाई को चलो अमित भाई को बोलो अमित भाई का चलो अमित भाई का अमित भाई हमारे भाई है यार कैसे बातें करते चलो बैच 99 बैठे होते बैच भाई भी तो हैंडसम है। अरे उनको देखती हूँ फिर भी बोल दो शकल तो देखिए ना फेस रिवील तो किया है समझ गए समझ गए फीलिंग सिर्फ अज्जू भाई के लिए है और अमित भाई के लिए थोड़ी बहुत ऐसे समझ सकते हैं तो फिर बैज भाई के लिए भी बताओ यार 10 10 10 10 चलो सबको 10 ओनली आयुष भाई को 5 है मैं तो मेरा मैं खुद का पूछूंगा नहीं करवाना है मेरा तो गाइस तो सुनीता ने ना जो पराए लोग जो अपने नहीं है उनको खुश करने के लिए 10 में से 10 दे दिए हैं और जो अपने लोग हैं उनको 5 में से 10 दिए हैं 5 में से 10 सुनीता और आयुष हमारा आयुष 10 में से 8 और थोड़ा सा मोटा हो जाएगा तो 10 होगा चलो तो मोटा होंगे गाइस ठीक है तो डोंडे भाई लो मोटा करो भाई ये पार्ट तो मैं कट कर दूंगा बोल दो उसको भेज दे ये जो भी अच्छा ही वाला पार्ट होता है वो कट होना चाहिए जो भी बुराई वाला पार्ट होता है वो किनारे किनारे लगा लो क्या क्या ही दिक्कत है इतना क्या क्या यार डरा देते हो यार ऑलवेज भाई लोग यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं पैराडाइज रेस्टोरेंट बैंकोट ये रास्ते में पड़ता था लुलू मॉल के तो मॉल ना जाके इधर आ गए हैं रेस्टोरेंट पर जाते हैं आप लोगों को दिखाते हैं आयुष भाई का रेस्टोरेंट ठीक है। और ये हमने एंट्री कर लिया इधर देखो बैलून वगैरह सब कुछ लगा है और इधर इधर कांच वगैरह लगा है सनम भाई आ गए कच्चे में आयुष भाई की भी एंट्री हो चुके सुनीता नहीं आ रही आज सुनीता गुस्सा है क्योंकि बहुत ज्यादा अज्जू भाई का याद आ रहा था सुनीता को देख सकते हो दोस्तों आपको इधर ही आना विनम्रखंड घूमती नगर है ना इस भाई विनम्रखंड घूमती नगर पैराडाइज पैराडाइज रेस्टोरेंट एंड बैंकॉक तो इधर कुछ चीजें पहले ये स्वागर्स था अभी ये चेंज होकर आयुष भाई ने नाम रखा है पैराडाइज ये देखो पैराडाइज अरे ये भी सही है ये भी सही है तो भाई लोग यहाँ पे सीट खाली हो चुका है अब हम ड्राइव करेंगे लखनऊ के रोड में पहली बार गांव में ड्राइव कर रहे हैं भाई गांव में आयुष भाई का फट जाएगा आयुष भाई सुनीता सब डर जाएंगे अब
मैं ड्राइव करूंगा ना। सनम भाई और मेरे में डिफरेंस यही है, देखो मैं पहले ही सीट बेल्ट पहन लेता हूँ, कितना अनुशासन को फॉलो, अनुशासन नहीं रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता हूँ। चश्मा पहन के थोड़ी चलाया जाता है गाड़ी। अरे कैसी बातें करते हो यार, पावर है मेरे को दिखने में प्रॉब्लम होती है यार, तो मतलब जिसको दिखने में प्रॉब्लम होती है वो चश्मा नहीं पहने। अब बताओ आपकी आंखें सही है भाई। कौन बोला? पूरा व्लॉगिंग चश्मे में निकालना है भाई मेरे आंखें में। सुनीता को बोलो, सुनीता क्यों बोलती नहीं है, क्यों गुस्सा है आज? पता नहीं, मेरे को तो लग रहा है आज सुनीता चलाने वाले कार चलाने वाले का मर्डर कर देगी आज। सुनीता क्या हुआ यार? क्या हुआ, क्यों नहीं बोल रहे हो बताओ? ऐसे ही बहुत दूर। अब देखो भाई लोग स्पीड बढ़ रहा है गाइस, तो यहाँ पे चला रहे तोंडे दाई और मैं देखो इसको पकड़ लेता हूँ। मेरे को बिल्कुल ही भरोसा नहीं है तोंडे दाई की ड्राइविंग पे। जस्ट अभी हाथ में लेती एक बाइक वाले को उड़ाते उड़ाते रोक दिया भाई। अरे? वो तो मैंने पीछे से ऐसे पकड़ लिया तो रोक दिया, ब्रेक लगा ली। इंस्टेंट क्या, इंस्टेंट एक्सीडेंट। और गाइस देखो यहाँ पे ये लोग बैठे हुए मस्त, पकड़ो 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 पकड़ो। अरे 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 देखो यार आयुष भाई यहाँ पे मैगी खा रहे हैं। अरे आयुष भाई कुछ देर पहले ना क्या हो गया था, हम सबके लिए चिकन बन गया ठीक है। तो आयुष भाई चिकन उतना नहीं खाते हैं, रोटी के संग चिकन खाना था। आयुष भाई गुस्सा हो गए, फिर उधर जाके रूट के चले गए थे उस रूम में। फिर अभी नहीं नहीं अभी मैगी खाने के बाद में वो हो गया ना। नहीं होता है भूखे भूखे पेट ना भाई लोग। सुनीता भी भूखी थी ना थोड़ा बहुत, वो उस टाइम जब बात नहीं कर रही थी ना, अभी समझ आया हमको भूख की वजह से। आयुष भाई भी भूखे थे ना, तो वो गया था। अभी अभी जैसे जैसे खा रहे हैं वैसे वैसे मूड फ्रेश हो रहा है। तो अगर आपको भी लगता है आपका गुस्सा आ रहा है, अगर आपका दोस्त चिड़चिड़ कर रहा है तो खाना खिलाओ, मुँह में कुछ भी डाल दो, डालते रहो, जितना मुँह पूरा करता डालते रहो तब अच्छा मूड हो जाएगा। और खाना इन्होंने बनाया था तो हमें मुन्नू भाई को, मुन्नू भाई थैंक यू। तो आज फाइनली भाई लोग ये बाल कटेंगे, अभी जा रहे रास्ते पे अपन लोग हैं और बहुत ही अच्छा लगा हमको ये रास्ता। हाँ लुलु मॉल आ रहे दोस्तों, लुलु जो मॉल है एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, तो उधर मॉल पे हम लोग करने वाले हैं शॉपिंग। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं भाई लोग स्टेडियम में। इधर जस्ट कुछ दिन पहले IPL हुआ था ना आयुष भाई, IPL हुआ था इधर, IPL हो गया था, हम लोग को रोक लिया था जाम में। तो बट हम लोग राहुल ने जिस दिन मैच हरवाया था दोस्तों, देखो भाई लोग इधर सेकंड बिगेस्ट शॉपिंग मॉल है लखनऊ का, क्या नाम है, नाम बहुत अच्छा लगा मेरे को, फिनिक्स प्लासियो है ये। हाँ, फिनिक्स प्लासियो इधर है, देखो फिनिक्स प्लासियो, इसके अंदर अपन लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग किया है, मेरे को तो अच्छा लगा ये मॉल भी। चलो ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं दोस्तों। आयुष भाई आप और मैं स्लीपर में है, यहाँ पे ना बहुत बार स्लीपर में एंट्री नहीं मिलती है, तोंडेदाई और मैं स्लीपर में। अगर रोकते हैं तोंडेदाई तो कहते हैं अंदर से जूते खरीद के लाओ, जूते खरीद लेंगे। 3000 के स्लीपर पहनो फिर भी मॉल में एंट्री नहीं, मत लो कैसी बातें कर देते हैं यार। एंट्री नहीं मिली तो बताओ, जूते अंदर से खरीद के लेके आ जाना, फिर जूते पहन लिए। अच्छा ये लोग ले आएंगे, ये लोग लेके आ जाएंगे, फिर हम जूते पहन के चले जाएंगे। बहुत बड़ा है यार आयुष भाई, ये तो आएगा फ्रेंड है तोंडेदाई, इसके बाद तो और है बहुत सारा दूर दूर तक। गाइस तो हम पहली बार सनम भाई और मैं लुलु मॉल आए थे ना कुछ दिन पहले, तो इतना भीड़ नहीं था ना सनम भाई, ये आज तो हाइपर मार्केट साइड गए थे। अच्छा ये मीन तोंडे भाई आप आए तो भीड़ आ गई यार। अरे ऐसा ही होता है यार, ऐसे ही होता है यार। चलो गाइस आज कटिंग कराएंगे तोंडे भाई की टकली, मेरी कलर ठीक है, ऐसे ही सुनीता की भी टकली, फिर देखेंगे तोंडे भाई कैसे लगेंगे। देखो इधर एक बच्चा भाई लोग, यहाँ पे हम लोग आ पहुंचे हैं गीतांजलि सैलून, ये बहुत अच्छा है इधर पूरा सनम भाई पूरा इंडिया में है क्या ये? हाँ पैन इंडिया ना, पैन इंडिया है और बहुत अच्छा है। और हम पहुंच चुके हैं, अभी अंदर इंटर करेंगे और काटने लग जाएंगे बाल। चलो हम लोग पहुंच गए भाई लोग, आयुष भाई उधर कटिंग करेंगे, मैं इधर, सनम भाई लोग भी बाहर घूम के आएंगे, मस्त हेयर कट करेंगे आज। ऐसे ही कर दो ले, ये सब भी कर सकते हैं ना सर? ये कलर नहीं है, ये सिर्फ शाइन के लिए क्लियर होता है, ये हो जाएगा ना, मस्त होगा वो, हो जाएगा भाई। हां आप हम जो ढूंढ रहे थे सिल्वर, आपका नेचुरल कलर ऐश ग्रे यही था, यही था वो कलर, तो नहीं 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 ठीक है।
पहले किया था, ये किया था, यस ग्रे किया था, फिर पूरा तकला से नेचुरल ये कर लेते अपन गाइस। यहां पे नेपाल के बाद ना उस टाइम कराई थी ना तोंडा हमने, आपने नेपाल में कराया, हां नेपाल तोंडा ये बिल्ड किया, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। भैया हीरो लगेंगे ना दोनों, लगेंगे मेरे तो ऐसे लाइटिंग की वजह से हो सकता है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के ना, मिरर मिरर में कुछ अच्छा लग रहा है, लाइटिंग सही करना पड़ेगा तो मतलब सही हो जाता है वीडियो में भी। हां तो आधार आधारहरु त यही बनाइरहनु हुन्छ, तर फेरि ड्युटी क्यारी गर्न मिल्छ, जाऊ जाऊ रिल्याक्स हो त, चलो चलो बोले से अच्छा, चलो रिल्याक्स हो जाए, वो हाइलाइट के साथ कट कर लेंगे, हो जाएगा भैया, क्योंकि अभी इसमें एंड थोड़ा सा जो डैमेज्ड होगा वो कटिंग में रिमूव हो जाएगा। हेलो प्लान में चेंज आ गया, हाईलाइट तो मैंने पहले कर चुका हूँ आयुष भाई, मैं फुल करा रहा हूँ, भैया का सजेशन यही रहा फुल करने, तो दोनों भाई छपरी लगेंगे ना, क्या हो जाएगा बताओ एक ही छपरी लगे इससे अच्छा दोनों लग जाते हैं, ठीक है चलो वो तो टाइम मतलब बड़ा होता है, तो भैया भी आपका बाल बहुत पतला है ना, ये आवर तो भाई लोग एक घंटे हो चुके हैं फिर भी हमको ये पहनना पड़ रहा अभी तक भी, तो बहुत देर तक, कितना कितना टाइम लगेगा भैया, अभी आधा घंटा हुआ है, नहीं 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 लगेगा कितना, अरे अभी हम कितने बजे आए थे, तो मैंने मैंने बोला इनको कि अगर मैं कुएं में कूद रहा हूँ तुम भी आ जाओ, अच्छा इन लोग का जब वो हेयर कलर हो जाएगा ना गोल्डन हो गए तो आपको भी पट्टी बांध देंगे, आपको पहले क्या था बाल होने चाहिए उसके लिए, करते हैं यार फिर से एक और बार, नहीं 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 फिर मैं करूँ ना आगे आगे का, नहीं 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 थोड़ा गोल्डन हो गया, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप जैसा लग रहा है बाल है ना, डोनाल्ड ट्रंप पिछला वाले आई पे लग रहे हैं, गोल्डन हो गया ऐसा तो भाई लोग यहाँ पे हमारे भाई लोग मिल गए, अज्जू भाई की जय हो, जय जय शादी, कैसे हो भाई, चलो आयुष भाई तो मैं मिल लेता हूँ, हेलो गाइस, ओए भाई हाँ यार भाई का पहले हो गया, मेरा पहले कलर होना स्टार्ट हुआ था बट मेरा जो बाल की कलर है वो नेचुरल है, वो ब्लैक है बहुत ज़्यादा ब्लैक है और नेचुरल मतलब टेक्सचर जो है बहुत ज़्यादा ब्लैक था, तो मेरा हो ही नहीं पा रहा है अभी तक अगर आपका ज्यादा डार्कर शेड में ब्लैक कलर बहुत ज्यादा ब्लैक कलर है तो आपकी ज्यादा टाइम ले सकता है इसके लिए, ये हिसाब से समझ लेना। आयुष भाई के बाल धुल रही हैं, गोल्डन ही कलर हुआ है आयुष भाई, नहीं अभी ब्लीच है सकते यार, सर गोल्डन ना हो जाए यार, नहीं आएगा अभी कलर लिफ्ट किया गया, अभी इसके कलर डलेगा, देखो यार आयुष भाई का कैसा कलर आया मेरे को भी नहीं, थोड़ा चेंज हो गया पर्पल लग रहा है आयुष भाई, मेरा भी अब आपको तो गोल्डन लग रहा है, मेरा गोल्डन लग रहा है स्टार्ट हो रहा है, मेरा भी अब धुलवा जाएगा पर्पल शैम्पू से, तो गाइस देख सकते हो तोंड भाई ने अपने बाल करा लिए हैं पर्पल, थैंक यू भाई, स्मार्ट वाले बच्चे ने भेजा आपसे मिलने के, कैसन बातें कर रहे हो यार, मिला करो यार भाई, मिलेंगे कैसे हो, बढ़िया कब आए यहां पे, हम हो गए टाइम भाई एक साल हो गए, एक भाई एक साल कैसे हो गए, हमको स्मार्ट वाले बच्चे ने भेजा, 5 दिन हो गए दोस्त के बच्चे ने भेजा, कहां से हो आप लोग, लखनऊ से, बहुत प्यारा शहर है यार लखनऊ,
क्या नाम है आपका? सत्यम भाई। चलो नाइस टू मीट यू भाई। और आपका नाम? यशस्वी भाई। शशि भाई, यशस्वी। कितना डिफिकल्ट नाम है भाई, यशस्वी। यशस्वी राज यदुवंशी। बाप रे, भयानक। मतलब मॉल तोल वाला नाम है भाई। बट मैंने एक चीज क्या नोटिस किया पता है, कभी भी बाल कलर करवाना नहीं चाहिए, दर्द होता है बहुत भाई। लोग मेरे को आज 4 घंटे तक हो गए इधर बैठे हुए, दर्द कर रहा है आंखों में, वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये लास्ट है मेरा कलर। देखो गाइस, यहाँ पे हमारा टोंडेदाई का बाल धुल रहा है। मस्त कलर आया क्या? देखो हाँ, थोड़ा कलर आया। अब ये सूखेगा तब दिखाएगा ना। तो देखो गाइस, इसके अंदर थोड़ा रिएक्शन हो गया केमिकल। कलर सही करूं ये तो ये बोलता हूं, कलर नहीं हुआ यार सेटिस्फाई में। तो गैस ग्रे गैस कलर कराओ, मुझे तो कलर करा वाइट वाला है। सूखने के बाद में पूरा वो लाइट हो जाएगा कलर। देख रहा हूं उसमें भी गोल्डन ही दिख रहा है लाइट। फिर से एक और बार ट्राई कर रहे हैं। इसमें आया था यार, ठीक है नहीं तो रख ली करते हैं। और फिर से टोपी पहना दिया और बहुत दर्द हो रहा है। कहा होगा मेरा भविष्य नहीं है, एयर कलर में लग रहा है मेरे को डर। इतना बंदा लेके आया ना जी, आ गया अतर भाई, बात हुई आपके वीडियो पर। हम लोग पहुंचे घर, तुरंत लेके आए, बहुत फोर्स कर रहा था। सही है, नहीं ट्राई कर लेते ना, थोड़ा थोड़ा टाइम में हो जाएगा बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा और टाइम नहीं लगेगा, इसमें कट कर देता हूँ बाद में। इधर देखो, इधर देखो यार, मेरे को फिर से टोपी पहना दिया और ये लोग हंसे जा रहे हैं। सुनीता बहुत हंस रही है। गाइस तो ये मेरा होते होते हो गया अभी एस सिल्वर, ठीक है। और यहाँ पे टोंडेदाई का कलर देखिए, बिल्कुल ही मस्त कलर आया है। देखो आप, ये टोंडेदाई को जो पसंद था वही आया है, देख लो गाइस। टोंडेदाई के दिल में वही कलर था, टोंडेदाई के दिल में वो कलर था भाई। ओके गाइस, तो मेरा हो गया एस सिल्वर, देख सकते हो ठीक है। और टोंडेदाई का मनपसंद कलर भी हो गया है एस ग्रे। देखो गाइस, ये देखो, ये देखो दोस्तों, इसी कुछ में मैं अरे टोंडेदाई जवान लग रहे हो यार। सुनीता देखो, आज इतनी हंसी है भाई, इसने जब से इंडिया आई है 19-20 से सारी हंसी आज निकाल दी टोंडेदाई के ऊपर। अरे अच्छा लग रहा है टोंडेदाई, मजाक से मैं हंस पैसे रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। इसको ऊपर रखो ना साइड में, क्यों करो इधर देखो, इधर पहले इधर देखो भाई। मेरे को बस ये बताऊँ खुशी किस बात की है, मेरे को खुशी इस बात की मेरे गोल्डन नहीं हुआ। ये देखो तेरा, अरे टोंडेदाई ने सुनीता के बर्थडे पे तेरा बढ़िया कलर करा लिए। चलो ओके मैम, बाय बाय। तो गाइस सुनीता खुशी नहीं है, हमने ऐसे कलर कराया इतना मस्त इसके बर्थडे पे, देख रहे हो यार सुनीता ही कितना अच्छे है ना। 25,000 में मैंने दर्द लेके चल रहा हूं, 25,000 का हेयर कलर था। जिंदगी में ना हेयर कलर कराऊंगा ना गीतांजलि में आऊंगा। पहले वाले ही ज्यादा, वो ज्यादा पता है मेरे को। पहली बार आप वेट करते ना तो थोड़ा थोड़ा आ जाता वो, एस में आ रहा था वो। अरे यार यशवंत भाई भी कह रहे थे शुरू शुरू में ऐसे ही आता था, गोल्डन था भाई आपका, और आपका सीधा दिख जाता था इसमें, दिखता है ना तुम्हारा, दिख रहा है ना, दिख रहा था पीछे का है ना, वो नहीं आएगा जो आया ना वो आगे का है, आपका सीधा दिख रहा था मैंने। चलो कोई बात नहीं टोंडेदाई, मेरा दिख ही नहीं रहा था, मेरे को पता है ना, अब तो दिख रहा है, अब तो खुश हो। स्टार्टिंग में हाईलाइट का प्लान बनाता था, आपने प्लान क्यों चेंज किया? हां यार हाईलाइट ही होते तो अच्छा लगता। हां चलो भाई लोग, हम लोग
सलून से लौट रहे हैं। अब ये रखना है कि नहीं मेरे को पता ही नहीं चल रहा है, बट आयुष भाई लोग बोल रहे हैं कि एक दो दिन रख लो, मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप लोगों को कैसा लगा बताना, हटाना है तो हटा देंगे, टकली करा लेंगे, नहीं तो ऐसे ही रखेंगे। ब्लैक कलर कराएंगे तो फिर बाल ऐसे भी बिगड़ा हुआ है ना, दो दो बार हो गया कलर, ठीक है, तो इस वजह से ऐसा हो गया है। मेरे को रखने का मन नहीं है, आप लोग बताओ, आप लोगों के अकॉर्डिंग कर लेंगे, बट हेयर कलर मेरे को कराना नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा लगा। और यहाँ पे देखो यार रास्ते में बटरफ्लाई बनी हुई है, बट दिख नहीं रहा है अच्छे से यार कैमरे में, तो निकल गए ना उस फेस से हम। हाँ देर से वेट कर रहे हैं तो फ्रस्ट्रेट होंगे ना। मैं तो कह रहा हूँ थोड़ी देर टकला ही करवा लो। 1500 पे किया था, एस ग्रे हो गया था मेरा। अच्छा दोनों सौ पे उधर ही मेरा एक बता अलीगढ़ में मेरा अलीगढ़ में कराया था ना, मैं सिल्वर कराया था, एस सिल्वर कराया था, ठीक है, थोड़ा वाइडर स्टेप में था और गुंडम हो गया यार वहाँ पे। फिर आपने नाम रख दिया यार, मैं क्या करूँ।